चल चल चलते 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 हैं, चल हैं, हैं। हो हो खुशी आ हम कैसे बच्चों आप सब आई होप एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन और आपका भी मन करता होगा कहीं दूर जाने का जहाँ खुशियाँ हो, जहाँ सुकून हो शोर शराबे से दूर चिक, -चिक बाजी से दूर अनवांटेड लोगों से दूर जहाँ आपको सुकून मिले खुशी मिले जहाँ आप हल्का महसूस कर सको आज बच्चों हमारे रिविजन सीरीज में हम एक ऐसी पोएम का जिक्र करने वाले हैं जहाँ पोएट यही करना चाहते हैं दूर जाना चाहते हैं अपनी लाइफ में थोड़ा सुकून पाना चाहते हैं सो so, कौन सी है ये पोयम चलिए आपको बता दिया जाए आज हमारे रिविजन सीरीज में जिस पोयम का मैं जिक्र कर रही हूँ उसका नाम है द लेक आई लॉफ इन फ्री क्लास नाइन्थ की बहुत ही इंटरेस्टिंग और सुकून भरी पोयम है तो इस पोएम में द लेक आईल ऑफ इन फ्री में जो पोएट है हमारे वो ना दूर जाना चाहते हैं जहाँ पर उन्हें खुशी और सुकून मिले कौन है भाई ये पोएट इन पोएट का नाम क्या है भला सो ही इज विलियम बटलर ईट्स विलियम बटलर ईट्स ये पोएट है और ये जाना चाह रहे हैं दूर ओके okay? इस पोएम में इन्होंने जिक्र किया है कि ये कहाँ जाना चाहते हैं वहां क्या कुछ होना चाहिए ओके okay? खुशी और रिजुविनेशन के लिए कहाँ जाना चाहते हैं तो सबसे जरूरी बात है ये पोएम किसने लिखी है एक्सक्यूज मी विलियम बटलर ईट्स ने लिखी है ये पोयम ठीक है और कितने लाइन्स की पोईम है छोटी सी पोएम है ट्वेल्व लाइन्स की पोएम है ठीक है ट्वेल्व लाइन्स है थ्री स्टैंडर्स है और काफी इंटरेस्टिंग सी ये पोएम है तो आज क्या होने वाला है वन बाय वन सभी स्टैंड को मैं आपको पढ़ाऊंगी समझाऊंगी डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी ठीक है कोई मुश्किल वर्ड आए तो उसको समझा दिया जाएगा एक बार पोएम को इन एंड आउट अच्छे से जान लिया फिर एग्जामिनेशन में पोएट्रिक डिवाइस भी पूछे जाएंगे तो उन्हें भी कवर कर दिया जाएगा तो इस शॉर्ट से स्वीट सी पोएम को इस शॉर्ट से स्वीट से लेक्चर में कंप्लीट कर लेते हैं चलिए शुरुआत करते हैं पहले स्टैंडा से लेट्स बी वेरी केयरफुल शुरू करने से पहले आपके दिमाग में एक बात आई होगी मैम ये इनस फ्री क्या है लेक आइल ऑफ इनिश फ्री ये जो वर्ड फ्री है घबराने का नहीं डरने का नहीं ये क्या है is an uninhabited island of Ireland. Ireland का एक है ये आर ये है डीव बाली आउट ऑफ इंडिया मतलब वो जो फील बीच वाली समझ रहे आप आईलैंड सभी जानते हो ना क्या होता है चारों तरफ पानी होता है उसके चारों तरफ पानी होता है तो उस आइलैंड में जाकर ये बंदा सुकून ढूंढना चाह रहा है आगे बात समझ में सो आयरलैंड इज नथिंग बट इट इज कवर्ड बाई वॉटर और ये कहां पे है आयरलैंड में है कहाँ है आयरलैंड सबकी लाइफ में फेवरेट फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन होती हैं जहाँ आपका जाने का मन करता है जहाँ आपको सुकून मिलता है किसी को घूमना पसंद है किसी को शॉपिंग पसंद है किसी को बस पहाड़ों में रहना पसंद है किसी को बीच के किनारे रहना पसंद है एवरीबडी हैज़ यर ओन वे ऑफ फीलिंग गुड एंड पीसफुल सबके अपने अपने अलग तरीके हैं आपका भी कोई इंटरेस्टिंग सा तरीका होगा हाँ या ना तो यहाँ पर पोएट को कहाँ जाना है आयरलैंड के एक आइलैंड पे जाना है

ठीक है वहां पर नाइन बीन रोज विल आई हैव देयर एंड आई हाइड फॉर द हनी बी एंड लिव अलोन इन द बी लाउ ग्लेड सबसे पहली बात ये बंदा इनस फ्री जानना चाहता है वहां पर अपना एक छोटा सा कमरा हो आसपास हनी बीस का वो जो छज्जा होता है ना ठीक है वहां हनी मिलता रहे प्योर प्योर सा और वहां पर खाने के लिए क्या मिलेगा नाइन बीन रोज मतलब वो वहां खेती करेगा ठीक है बीन्स की नाइन बीन रोज होने चाहिए वहां से मैं अपना खाना खा सकूं मुझे कुछ नहीं चाहिए एक छोटा सा कमरा खाने के लिए थोड़ा सा जुगाड़ प्यारी सी सुंदर जगह हनी बीच का वहाँ पर हनी मिले मुझे बढ़िया तरीके से प्योर सा ठीक है आप समझ रहे हो ही वॉन्ट्स टू लिव ऑर्गेनिकली कई बार हम लोग अपने गाँव चले जाते हैं खेत खेतों में मज़ा आता है तो इस बंदे को उसी तरीके से अपने एक पर्सनल स्पेस में रहना है अकेले रहना चाहता है एंड लिव अलोन अकेले वक्त बिताना चाहता है ठीक है इन द बील आउटलेड ओके okay, वहां पर आराम से फुर्सत से वो वहां पर रहना चाह रहा है तो पोइट ये डिक्लेयर कर रहा है यहाँ पर कि वो उठेगा एक दिन ही विल अराइज उठेगा एंड गो टू इन एस फ्री वहां पर एक छोटा सा कैबिन होगा द कैबिन विल बी मेड ऑफ क्ले एंड वैटल्स ये कैबिन किससे बना होगा क्ले और वैटल्स से बना होगा हो मतलब सिंपल सी बात है ऐसे क्ले और वैटल्स ये जो मतलब घास से होती है हुँ? उससे बना होगा काइंड ऑफ कॉटेज बिल्ड होगा वहां पर छोटा सा पहला समझे, मन्ने को जाना है और और ध्यान रखना सबसे जरूरी बात, क्या क्या खाने का का इंतजाम है, nine bean है और बी है सभी जानते हो मधुमक्खी ना ग्लेड लाउड विथ द बजिंग बीस मतलब ये ग्लेड क्या था बीस का ग्लेड क्या था मतलब अगर आप हनी बीस देखते हो तो वहां पर उनकी बीस की बजिंग साउंड भी जरूर तो आती है तो मतलब वो साउंड होती रहे आसपास आप समझ रहे हो एक ना उस बंदे को पीस चाहिए वहाँ पर एक अच्छा सा अपना कमरा हो कमरे में वो लेटा हुआ हो ठीक है खाने का इन बंदोबस्त हो गया ना मिनट मिल और मधुमक्खी का छज्जा हो जहाँ से प्योर हनी भी मिल जाए और उस साउंड भी उसको दूर से कहीं सुनाई देती रहे सो so, पहले स्टैंडा में बड़े क्लियरली ये कौन सी जगह जाना चाहता है इसका कमरा किस चीज से बना होना चाहिए खाने का बंदोबस्त कैसे करेगा एंड अपना बीस के बारे में बजिंग बीस बीस की बजिंग साउंड उस आवाज में उसके ग्लेड में मतलब उसकी छांव में या फिर आप कह सकते उसकी आवाज़ के प्रेजेंस में वो रहना चाहता है क्लियर बहुत बढ़िया भाई चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड स्टैंडा की तरफ एंड आई शिलर वहां पर क्या मिले मुझे सुकून मिले शांति मिली चैन मिले पीस मिले ओके फॉर पीसिंग स्लो धीरे धीरे पीस आएगा व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स वहां पर जहां व्हील्स का मतलब होता है बेटा चुनरी नहीं होती जो घूंघट से हम ढक देते हैं और फिर वो उठती है तो कैसा लगता है तो धीरे धीरे वो पर्दा उठे सामने से ठीक है वो पर्दा उठे व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग

चमकती हुई वो शाम आपको पता है ना रात को कैसा होता है शाम को धीरे धीरे शाम को यहाँ पर फुल ऑफ द लिनेट स्विंग्स मतलब बहुत सारे पंछी अपने वापस जा रहे होते हैं नाम है ठीक है जो वहां इनस फ्री में पाए जाते हैं तो बर्ड्स वापस अपने घर जाते हुए उड़ते हुए ठीक है तो शाम को क्या होगा लिनेट स्विंग्स फुल ऑन पूरे आसमान में वो उड़ते हुए वापस अपने घर जाते हुए तो देख पाए ठीक है और अगर हम बात करें दोपहर को ग्लो होगा पर्पल कलर का ग्लो होगा ठीक है दोपहर को पर्पल ग्लो होगा और रात को तारों की चमकती रात है कहते हैं ना तारों की छाओं में वो बढ़िया तरीके से चमकती रात में सोना चाहते हैं सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि इस बंदे को सुकून चाहिए कौन सी आवाज़ आएगी इसको क्रिकेट्स की आवाज़ आएगी धीरे धीरे रात से जब सुबह होगी तब ओके एंड दोपहर कैसी होगी रात कैसी होगी और सुबह कैसी होगी इतनी बढ़िया तरीके से इसने अपने दिन को डिफाइन किया है है ना सो so, इस में बहुत बढ़िया तरीके से वो कहना चाहता है कि वहां पे वो पीसफुली रहेगा ही विल हैव पीस 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 ही फ्रॉम द द ऑफ मॉर्निंग टू वेयर क्रिकेट सिंग्स तो उसे मिल कैसे मिलेगी जब सुबह होगी ठीक है घूंघट उठाते हुए अंधेरे से जब बाद में जब सुबह होती है तो वहाँ पर क्रिकेट की सिंगिंग की आवाज आप देखते हो ना बेटा सुबह सुबह एक, एक तरह की एक बर्ड सिंग करते हैं और ये हमारे शहरों में कहाँ है आजकल तो इनज फ्री में वहाँ पर आयरलैंड के इस आइलैंड पे सुबह सुबह क्रिकेट्स की सिंगिंग की आवाज आएगी जो उसे बड़ा सुकून देगी आए ना वो एक नेचुरल ऑर्गेनिक फीलिंग और अगर दोपहर की बात करें ठीक है तो वहां पर नून विल बी है पर्पल ग्लो दोपहर को होगा पर्पल ग्लो और रात को होगा चमकता हुआ चमकता हुआ नजारा यानी कि तारे चिम टिमटिमाएंगे चमकेंगे है ना तो सेकेंड स्टैंड है बढ़िया तरीके से सुबह शाम दोपहर रात को कैसे होगा ये बताता है ठीक है जी वहाँ पर उसे क्या मिलेगा सुकून मिलेगा ओके द इवनिंग इज फुल ऑफ लिनेट स्विंग जैसे कि मैंने कहा बर्ड्स शाम को वापस अपने घर अपने पेड़ों पर वापस नहीं चले जाते उड़कर तो वो शाम को वैसे नजर आएगा ठीक है इवनिंग हो गया मॉर्निंग मॉर्निंग जब सुबह उठे मतलब जब uh, सवेरा हो घूंघट उठे तो क्या हो क्रिकेट्स की सिंगिंग की आवाज़ हो दोपहर तो में पर्पल ग्लो हो और रात को चमकते हुए सितारे उसे नजर आए अब बारी आएगी स्टैंड नंबर थ्री की स्टैंडर नंबर थ्री में आई विल विलइज एंड गो नाउ मैं उठूंगा जाऊंगा फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड फॉर द शोर तो सुबह हो शाम हो रात हो मैं उस लेक के किनारे चलूं और मुझे वो वेव्स पानी की वो आवाज़ वो फीलिंग वो सुकून मिले आप सभी जानते हो बीच पे अगर आप गए हो किसी नदी किनारे गए हो नदी के किनारे तो वहाँ पर जो पानी की जो आवाज़ आती है ना लहरों की वो कितना सुकून देती है वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे और ऑन द पेमेंट्स ग्रे आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कॉर अब ये कहाँ खड़ा हो के सोच रहा है शहर में रोड पर रोड पे जो पेवमेंट होता है जैसे कि हम कहते हैं जैसे फुटपाथ कह सकते हो आप वहाँ पर इस शहर की गूंज में अंदर से उसका दिल कह रहा है कि चले यार इनस्फ्री के आइलैंड जो आयरलैंड में जो आइलैंड है इनस्फ्री वहाँ चले जहाँ पर ये सारी चीज़ें हो जहाँ मुझे सुकून मिले जहाँ की सुबह जहाँ की शाम जहाँ की रात सब मेरे हिसाब से हो जहाँ पर पक्षियों की चहचहाहट पानी की लहरों की आवाज़ मुझे सुकून दे तो वो आवाज उसको दिल से फील हो रही है बेटा तो ये बंदा खड़ा कहां पर है देखो शहर में खड़ा है ये द पोएट दोलेयर अगेन दैट वो फिर डिक्लेयर करता है कि मैं फिर उठ खड़ा हूं और एंड गो पर ही ऑलवेज द लेक वाटर लैपिंग मे शोर जहां पर लेक का जो पानी है उसकी आवाज आए गूंजे समझ लो आप ही स्टैंड इन दिटी बट ही द साउंड फ्रॉम द कोर ऑफ इज हार्ट ये खड़ा कहाँ पर है ये याद रखते ये जो खड़ा है ना ये बंदा सिटी में है इस शोर शराबे के बीच बट उसके दिल से आवाज़ आती है कई बार होता है हमारे रेगुलर डे टू डे रूटीन में लाइफ में एक बार हमें ऐसा फील होता है यार काश मैं वहाँ चला जाता काश मैं वहाँ पहुँच जाता बड़ा एक सुकून मुझे मिलता सो दैट्स वॉट ही इज थिंकिंग अबाउट माई डियर स्टूडेंट्स कि वो वहाँ चला जाए सो आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू इसका दिल इससे कह रहा है पुकार रहा है चीख चीख कर ये कह रहा है कि चल वहाँ चलते हैं जहाँ सुकून है खुशियाँ हैं जहाँ तुझे खुशी मिलेगी सुकून मिलेगा पीस मिलेगा ओके okay? सो so इस प्रकार से ये प्यारी सी पोएम को हमने किया है फिनिश सो मेन जो बेसिक सब्सटेंस है इस पोएम का जो मेन मुद्दे की बात है वो ये है कि पोएट जो है ही वॉन्ट्स टू बिल्ड ए स्मॉल कैबिन फ्री ही विल बिल्ड इट विद नेचुरल मटीरियल्स कोई फाइव स्टार होटल नहीं चाहिए उसको नेचुरल चीज़ों से क्ले से अपने पेड़ों के चीज़ों से घास वास से बनाना चाह रहा है वहां पर अकेला चाहता है पीस लेक के किनारे देर पीस ड्रॉप फ्रॉम द मॉर्निंग एंड द ब्यूटीफुल मिड नाइट वहां पर वो नेचर की ब्यूटी उसे पीस देगी वो सुबह वो दोपहर वो शाम वो रात अकेले तनहा सुंदर सा नज़ारा

पानी की वो उसके दिल से उसे वो सुनाई दे रही है कई बार जो हम जाना चाहते हैं वहाँ की फील आती है वो बुला रहा है जैसे हमें चलो बुलावा आया है ऐसे हम फील करते हैं कि हाँ कुछ हो रहा है आई यू अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टेंडिंग आईडिया टू स्टूडेंट्स आई होप वो वहाँ रहना चाह रहा है ही विल लिव अकेले वो अकेले रहना चाह रहा है वहाँ पर क्लियर इस जगदोजहद तो को इस मारामारी को इस रेस को इतने लोगों को शोर शराबों को छोड़कर कर यू वॉन्ट टू लीव एंड गो एंड लिव दैर सो आई होप अब आप सब समझ गए पोम का इसीलिए मैं कह रही थी चल वहां चलते हैं सबका अपना अपना एक डेस्टिनेशन होता है जहाँ उन्हें सुकून खुशी मिले इन्हें कहाँ मिल रही है द लेक आइलैंड ऑफ इनस्ट्री तो अब हम बात करेंगे जैसे इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है एक बात बताओ वो बंदा वहाँ क्यों जाना चाह रहा है वहां वो क्यों जाना चाह रहा है पोएट इज लॉन्गिंग फॉर पीस उसे कुछ दिन इस सबसे दूर जाना है उसे शांति चाहिए पर और शांति उसको कहा क्या पसंद है उसे ग्रीनरी पसंद है जो कि बिल्कुल नेचुरल हो यहाँ पर सब आर्टिफिशियल हो गया है ना सब आर्टिफिशियल हो गया है तो वो मन नहीं कर रहा है इसका तो इस पोएम का मेन आइडिया ही यही है कि वो ये शोकेस कर सके दिखा सके द तो लॉन्गिंग वन फील्स फॉर सम क्वाइट एंड अलोन टाइम आफ्टर लिविंग इन ए क्राउडेड कंजेस्टेड प्लेस लाइक ए सिटी शहरों के भागम भाग में भीड़ में एक बंदा जो एक चाहता है सुकून वो सुकून की वो जो लॉन्गिंगनेस होती है कि भाई मुझे जाना है जाना जाना है और वो टाइम ही नहीं निकाल पाता है और वो दिन ऐसे चलते चले जाते हैं वो लॉन्गिंगनेस कहना चाह रहा है यहाँ पर ठीक है सो डब्ल्यू बी ईट्स ने विलियम बटलर ईट्स ने बहुत बढ़िया तरीके से इसे कैप्चर किया है ही कैप्चर लॉन्गिंग फॉर होम एंड पीस इन दिस पोएम क्वाइट ब्यूटीफुल कितने बढ़िया तरीके से उन्होंने फील दिलाई है हमें है ना होम बिकॉज ईट स्पेंट हिस्ट चाइल्ड हुड इन द कंट्री गो टू बिच इन फ्री बिलोंग्स टू तो उसे वहीं क्यों जाना है क्योंकि इसने वहाँ अपना बचपन बिताया है तो आप समझ रहे हो वो जो डेस्टिनेशन होती है ना जाने वाली वहाँ यहाँ तो हम पहले गए हुए होते हैं जहाँ हमें सुकून मिलता है राइट right. जैसे हमारा बचपन हमारे गांव हमारे खेत राइट right? वैसा ही कुछ यहाँ हाँ यहाँ इस बंदे ने अपना बचपन बिताया इसीलिए इसको यहाँ जाना है अब वही बात समझ में कि इन्हें फ्री ही क्यों जाना है क्योंकि वहाँ इसने अपना बचपन बिताया इनफैक्ट वन कैन से दिस पोएम इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कीट्स डिजायर इट तो ये हमारे पोएट की एक डिज़ायर है चाहत है विश मतलब इच्छा और चाहत यानी कि डिजायर तो ये उसकी डिजायर है एक तरीके से कि वो जाए और पीस ढूंढे ढूंढ सके एट द टाइम ऑफ इट्स की इट वॉज इन सिटी अ बसलिंग क्राउडेड सिटी एंड इट इनर मोस्ट डिजायर टू गो टू हिस्स होम एंड टू पीस केम आउट बर्स्टिंग इन द फॉर्म ऑफ दिस पोएम तो एक तरीके से आप समझ सकते हो कि पोएट भी सिटी के शोर में पीस ढूंढ रहा था वो परेशान हो गया हो गया तब जाके उसके दिल से ये पोएम बनी होगी हाँ या ना सो so, बात यह है कि हर बंदा यह फील करता है मतलब उनकी लाइफ ना एक रेस की तरह भागे जा रही है भागे जा रही है दो पल सुकून के ही नहीं है so, सो ये पोएट भी सुकून के पल ढूंढ रहे थे और उन्होंने पोएम लिख दी और हम भी फील कर पा रहे हैं है ना सो आई होप इस पोएम का सेंट्रल आइडिया को भी आप समझ गए हो तो वक्त आ गया है पोइटिक डिवाइज को डिस्कस कर लेने का करें डिस्कस पोइटिक डिवाइज को सबसे पहले आपकी आंखों के आगे एक प्यारा सा आइलैंड आ रहा है कि नहीं वो बजिंग नॉइस को आप फील कर पा रहे हो वो जो उसका घर वो बनाना चाह रहा है वो सुबह दोपहर तो शाम को जो फील दे के बता रहा है तो इट्स नथिंग बट इमेजरी तो सबसे पहले क्या हो रहा है वो जो वर्ड्स यूज़ किए हैं ठीक है स्मॉल कैबिन नाइन रोज ऑफ बीन्स बजिंग हाइव ऑफ बीस द स्लोली डॉनिंग स्काई द पीसफुल क्रिकेट सिंगिंग सॉन्ग ठीक है उन सभी बातों से आप अपनी आंखों के आगे इमेज बिल्ड कर पा रहे हो तो इमेजरी तो है ही और अगर हम बात करें यहाँ पर कितने स्टैंड है ईच ऑफ़ फोर लाइन याद रखना ठीक है और बेटा बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर एक गाने की तरह इस पोएम को प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है ठीक है लास्ट वर्ड्स राइमिंग है भी हर दो लाइन में आप देखोगे ए बी ए बी इसकी राइम स्कीम है राइम स्कीम क्या होगी इसकी राइम स्कीम इज ए बी ए बी ठीक है तो इस पोएम की राइम स्कीम है ए बी ए बी आई होप आप सभी को अब समझ आ ही गया होगा कि राइम स्कीम कैसे निकाली जाती है पोएम के हर लाइन के लास्ट वर्ड को देखो और देखो राइम हो रहे हैं कि नहीं सिंपल ओके okay? पहली लाइन और थर्ड लाइन आराम से राइम हो रही है फिर अगर मैं बात करूं इस में रिपीटेशन भी हुआ है बट एक वर्ड को अगर दोबारा रिपीट किया जाए द फर्स्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट फर्स्टा एंड द फर्स्ट लाइन ऑफ थर्ड स्टैंडा स्टार्ट द सेम वे विद द सेंटेंस आई विल अराइज एंड गो नाउ तीन स्टैंड है पोएम में पहले और तीसरे की पहली लाइन सेम है आई विल एंड गो नाउ मैं उठ के जाना चाहता हूं जाऊंगा ठीक है सो इट्स नथिंग बट रेपिटेशन इट्स नथिंग बट रेपिटेशन और अब आगे बढ़े अगर हम तो एलिट्रेशन भी है बेटा एलिट्रेशन इज नथिंग बट रेपिटेशन कॉन्सोनेट साउंड देखो कितनी बढ़िया तरीके से रिपीट हुआ एलिट्रेशन में ठीक है लेक वाटर लैपिंग ल साउंड रिपीट हो रहा है कि नहीं ल एल कॉन्सोनेंट है ओके सो इस प्रकार से यहां पर ल साउंड का रिपीट होना क्लियरली विथ लो साउंड लो फिर से ल आ गया ल साउंड आ गया so, ल साउंड का रिपीट होना इज नथिंग बट कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है ये बन जाता है एलिट्रिश और सबसे ज्यादा और सबसे बढ़िया तरीके से जो पोइटिक डिवाइस यूज है वो है मेटाफर मेटाफर क्या होता है सिंपल सी बात है कंपेरिजन के लिए यूज होता है आया ना यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से स्टैंड टू में कंपैरिजन हुआ व्हील्स ऑफ मॉर्निंग मतलब घूंगट उठना मतलब माई रेफर टू तो द फॉग और यू वन ऑफन एक्सपीरियंस इज ग्रीन प्लेस अगर आप देखो सुबह सुबह ग्रीन प्लेस में जैसे धुंध हो जाती है या फिर एक अंधेरे बादल से छा जाते हैं जो धीरे धीरे उठते धीरे धीरे उससे निकलता है तो यहाँ पर घूंघट बोला गया कि वो जब उठेंगे वो बादल जब वो जो नमी है या फिर फॉग कहो मिस्ट कहो जब वो उठेगा ना जंगलों में जो जनरली होता है तब वो नजर आएगी सुबह दिखेगी हमें पीस मिलेगा ठीक है तो बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर पोइट ने अपनी डिज़ायर को समझाया है एंड ही डीपली डिज़ायर कि ये यहाँ जाना चाह रहा है समझ रहे हो अब तो मेटाफर यहाँ पर व्हील्स ऑफ मॉर्निंग घूंघट के उठने से कंपेयर किया गया है ठीक है ग्रीन प्लेस में जो एक्सपीरियंस करते हैं फॉग या फिर ड्यू होती है ना सुबह सुबह उसको यहाँ पर वो उठ रही है ठीक है आई होप नाउ दिस इज़ एप्सोल्यूटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू तो अब हम मिलेंगे अगली क्लास में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए खुश रहिए अच्छी मेहनत करिए एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेके आइए फिर आप भी अपनी मम्मी पापा को बोला चलो हम भी सुकून ढूंढने खुशी ढूंढने कहीं घूमने चलते हैं ठीक है हाँ बट वो तभी होगा जब मार्क्स अच्छे लाओगे सो so आई होप आप अच्छे से मेहनत करो पढ़ाई करो और आप भी सुकून और खुशी ढूंढने अपने पेरेंट्स के साथ जाओ तो मिलेंगे अगली क्लास में तब तक के लिए टेक केयर ऑल द बेस्ट बाय